वट वी डू कि हमें क्या करना है कि जो सैम्पल है उसको हम सबसे पहले वेपोराइज uh, करना है और वेपोराइजेशन और एक्साइटेशन करवाना है आइदर बाय द फ्लेम और सम बाय द नॉन फ्लेम मेथड्स और उसके बाद फिर जो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन बजती है फ्लेम के अंदर या वेपर्स जो बजते हैं ग्राउंड स्टेट के उसके अंदर हम उसी पर्टिकुलर एलिमेंट की रेजोनेंस लाइन जो है वो इंसिडेंट करते हैं ताकि उसका प्योर हंड्रेड फुल एब्जॉर्बन हो सके और जो बाकी ट्रांसमिटेड लाइन होगी वो डिटेक्टर तक पहुंच जाएगी और इस तरह से आप जो ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के डिफरेंस से आप जो इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बशन जो है वो आप पता लगा लोगे और कंसंट्रेशन से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हम एबज़ॉर्पन्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसको ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसीलिए इसका जो थोड़ा असेंबली है थोड़ा बहुत फ्लेम से मिलता जुलता भी होगा लेकिन थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट भी होगा तो इसके अंदर जो तीन मेजर कॉम्पोनेंट हैं जो देखने को मिलेंगे हमको एक है रेडिएशन सोर्स एक है सोर्स मॉड्यूलेटर और दूसरा है एटोमाइज़र तीसरा तो इसके अलावा जो बाकी के जो कंपोनेंट हैं आपके वो सारे एस सेम रहेंगे जो हमने फ्लेम फोटोमीट्री के अंदर भी पढ़े हैं तो जिसके अंदर हमारा मोनोक्रोमेटर पार्ट भी आएगा डिटेक्टर पार्ट भी आएगा सो वो सब तो रहेगा ही उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इसके इंस्ट्रोमेंटेशन के वो हैं सोर्स मॉड्यूलेटर और एटोमाइजर्स एटोमाइज़र्स में भी दो अलग अलग टाइप के एटोमाइजर्स हैं एक है फ्लेम एटोमाइजर्स और एक इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर के ऊपर होगा क्योंकि जो फ्लेम एटोमाइजर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी फ्लेम फोटोमीट्री जिसके अंदर हमने बर्नर्स पढ़े जिसमें आ, आपका टोटल कंजप्शन बर्नर था और प्रीमिक्स लेमिनार फ्लो बर्नर भी था तो स्टार्टिंग विद द रेडिएशन सोर्स तो जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है ए के अंदर वो है कैथोड लैम्प जिसको हम शॉर्ट में एच भी कह सकते हैं हॉलो कैथोड लैम्प तो जैसे कि नाम से ही रहा है पता चल रहा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो एक हॉलो ट्यूब के रूप में होगी एंड दिस जनरली एक्ट एज कैथोड। तो ये जो है इट इज अ शार्प लाइन सोर्स सो इट इज अ शार्प लाइन सोर्स विच एमिट स्पेसिफिक लाइट और स्पेसिफिक वेवलेंथ जो आपको रिक्वायर्ड होगी सो इट कंजिस्ट ऑफ द होलो कैथोड जो कि उसी एलिमेंट का बना होगा जिस एलिमेंट को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो डिटरमाइन कर रहे हो तो अगर आपका सैंपल में आप पोटेशियम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कैथोड जो होगा वो पोटेशियम का ही सॉल्ट से बना होगा अगर आप कोई सी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो दिस शुड बी मेड अप ऑफ सी तो इस तरह से जिस एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो कैथोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी मटेरियल का या उसके सॉल्ट के द्वारा होना चाहिए तो या तो मेटल uh, या फिर उसका सॉल्ट या अलॉय इसके अलावा जो ये ट्यूब है इसका इंटरनल डायमीटर होगा लगभग 2 एम mm के आसपास और एनोड के रूप में सिंपल टंगस्टन वायर जो है वो काम करेगा एंड दिस ट्यूब इज अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर और इस ट्यूब के अंदर एक इनट गैस भी हम फील करते हैं दैट कुड बी आइदर आर्गन और नियॉन तो आर्गन गैस और नियॉन गैस इज मंडेटरी एंड इट इज फिल्ड इन दी दैम्प ट्यूब सो दिस इज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉलो कैथोड लैम्प तो ये जो है हमारा दिस इज दी दिनप और इसके अंदर यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोड सिस्टम है तो दिस इज दी कैथोड पार्ट जो हैलो कैथोड है एंड दिस इज द एनोड जो कि आपका है टंगस्टन का और ये है आपका मेटल का जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और इस तरफ सामने की साइड पे जो होगी एक ट्रांसपेरेंट विंडो होगी सो so, ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है तो इट विल वाइट इज अ ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट विल नॉट ऑब्जॉर्व दी एनी वेवलेंथ सो इट विल अलाउ दी और दी जितनी भी वेवलेंथ आपकी कैथोड से एमिट होंगी दैट विल बी पास्ड और अलाउड थ्रू दिस विंडो इसलिए इसको हम ट्रांसपेरेंट विंडो बोलते हैं सो दिस इज दी कंस्ट्रक्शन एंड जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो दिस इज दी एक्चुअल इमेज ऑफ अ हॉलो कैथोड लैम्प सो लेकस इट्स वर्किंग नाउ तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द करंट और जैसे ही आप इसमें करंट अप्लाई करोगे लाइक फाइव टू फिफ्टी एमपियर मिली एमपियर की रेंज का तो थ्री हंड्रेड uh, वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस और उसके बाद जैसे ही आप वो uh, करंट पास करेंगे तो जो चैम्बर है जो ट्यूब है उसके अंदर जो हमने गैस फिल किया है चाहे वो आर्गन है या नियॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसे स्ट्राइक करेंगे और उसको आयोनाइज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा आयोनाइजेशन ऑफ द गैस अब जैसे ही आयोनाइजेशन होगा गैस का तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट होंगे गैस से और गैस यस केटाइंस विल बी फॉर्म्ड तो गैस के जो केटाइन बनेंगे नाव दे विल मूव टूवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि हमारा है कैथोड तो सपोज वी हैव अ दिस इज गैस दिस इज अ ट्यूब चैम्बर और यहाँ पर गैस के कैटाइन हैं एंड हेयर वी हैव अ कैथोड एंड हेयर वी हैव एनोड तो जब ये गैस के आइंस जो हैं ट्यूब के अंदर जाएंगे तो अंदर जाके दे विल स्ट्राइक और दे विल स्ट्राइक और जैसे ही वो टकराएंगे अंदर जाके टकराते ही दे विल इजेक्ट एटम फ्रॉम दैट कैथोड सरफेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए स्पुटरिंग तो इसमें क्या होगा जो पॉजिटिव गैस आयंस हैं दे आर एक्सेलरेटेड एंड दे मूव टूवर्ड्स द कैथोड जो कि हमारा है नेगेटिव पोटेंशियल पे एंड इट बम्बार्ड कैथोड इनर सरफेस और बम्बार्टमेंट होने की वजह से वहाँ से सरफेस से कैथोड के जो आइटम्स हैं दे विल भी इजेक्टेड एंड डिस्चार्ज और इसी तरह से एक जो है ग्लो डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा और वो जो ग्लो डिस्चार्ज है दैट ग्लो डिस्चार्ज और एमिटेड लाइन विल पास थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट विंडो तो यहाँ से वो जो है आपका लाइन जो है वेवलेंथ का इट विल ट्रेवल क्योंकि जैसे ही वो स्पूटरिंग होगी स्पूटरिंग होते ही वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे कैथोड के एटम्स एंड uh, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे वापस से कैथोड के सरफेस पे तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब किया होगा दैट विल बी एमिटेड एंड दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लो डिस्चार्ज तो वो जो रेजोनेंस लाइन है दैट विल बी एमिटेड तो वो जो लाइन है एमिट होगा दैट विल एक्ट एज अ रेडिएशन सोर्स तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो कि कैथोड जिससे बना है और सपोज़ अगर कैथोड की लाइन वहाँ से कैथोड के रूप में हम पोटेशियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोटेशियम की लाइन निकलेगी और सैंपल में भी पोटेशियम ही है तो वो पोटेशियम के ग्राउंड स्टेट आइटम से जब पोटेशियम की वेवलेंथ स्ट्राइक करेगी तो फुल अब्जॉर्प्शन होगा जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम सिग्नल जो है अब्जॉर्प्शन का भी देखने को मिल सकता है वो डिपेंड करेगा कर ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन के ऊपर कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एबजॉप्शन ज़्यादा होगा पॉपुलेशन कम होगी तो अब्जॉपन्स भी कम होंगे तो जो इमिटेड लाइन निकलेगी यहाँ से लैम्प से दैट विल बी पास्ड थ्रू द फ्लेम जहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में मेटल के या एलिमेंट सैम्पल के एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं एंड दे विल कॉज दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो उसके यहाँ पे फिर उस लाइन सोर्स का ऑब्जॉपशन होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे सो हॉलो कैथोड लैम्प जो हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल फॉर अराउंड सेवेंटी एलिमेंट्स तो सत्तर एलिमेंट्स तक के लिए जो हॉलो कैथोड लैम्प है, वो मौजूद हैं तो so, आप यानी कि 70 एलिमेंट्स को आप हॉलो कैथोड लैम्प से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो तो so, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको जिसका एच सी एल हॉलो कैथोड लैम्प ना बना हो तो उसको आप इस टेक्निक से इन्वेस्टिगेट या स्टडी नहीं कर सकते हो इसके अलावा कैथोड लेंप जो हैं वो अलॉय के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें आप दो या तीन एलिमेंट्स को मिक्स करके आप उसका अलॉय बना सकते हो और जब आप उसको एज ए सोर्स इस्तेमाल करोगे तो जितने एलिमेंट आपने प्रेजेंट किए होंगे उतने लाइन सोर्स जो है उतनी वेवलेंथ जो है वो एमिट करेगा तो जो सैंपल की वेवलेंथ होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा बाकी किसी को वो ऑब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा तो एग्जांपल है जैसे कैल्शियम uh, मैग्नीशियम का एक कैथोड हो गया कॉपर एंड जिंक का हो गया सोडियम और पोटेशियम का हो गया तीन तीन वाले के अंदर एग्जाम्पल है कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक तो इस तरह से आप सिंगल कैथोड या फिर कैथोड के या अलग अलग एलिमेंट्स के अलॉय जो हैं उसको यूज़ करके कैथोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो किया जा सकता है इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप का सोर्स है जो यूज किया जाएगा अदर देन एच सी एल वो है ई डी एल विच इज़ कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प तो जैसे हमने देखा एच सी एल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं एक कैथोड और एक एनोड जिसमें कैथोड उसी मटेरियल का बना होगा जो मटेरियल को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जबकि जो दूसरा ये सोर्स है ई डी एल विच इज एलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प तो जैसे नाम से ही आप देख पा रहे हो इट इज़ ए इलेक्ट्रोडलेस इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर एक ये क्वार्ट्स की एक ट्यूब होगी सील्ड ट्यूब होगी जिसका दो से सात सेंटीमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी और लगभग एट एम mm के आसपास उसका इंटरनल डायमीटर होगा और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इनट गैस के साथ गैसियस रूप में प्रेजेंट होगा और जब आप इस लैम्प के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करोगे जैसे कि माइक्रोवेव रेडिएशन स्ट्राइक करोगे लगभग 2000 थाउजेंड टू थ्री मेगाहर्ट्ज़ की रेंज की तो उसमें क्या होगा इट विल कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस एटम्स और वो जो आयोनाइज गैस एटम्स हैं दे विल नाउ टेक अप दी हाई और द रैंडम द मोशंस और ड्यू टू दैट रैंडम मोशंस ऑफ दाइज गैसियस एटम्स दे विल कॉज द कोलिजन्स विद द मेटल एटम्स

तो दोनों तरफ जो विंडो होगी दैट इज़ सॉरी यहाँ तो विंडो नहीं होगी इस तरफ होगी विंडो जो कि क्वार्ट्स की है जो कि ट्रांसपेरेंट होगी तो जब यहाँ से एमिशन होगा तो एमिशन विल मूव इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू लैम्प। और इस तरह से हमको पर्टिकुलर रेजोनेंस लाइन जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाएगा जिसको आप फिर यूज़ कर सकते हो आगे सैम्पल के ग्राउंड स्टेट आइटम्स को ऑब्जॉर्व करवाने के लिए तो हालांकि इन दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट है चाहे एच है चाहे ईडीएल है वो इस्तेमाल कर सकते हो बट एच जो है दैट इज हैविंग ए वाइड एप्लीकेशन इसके अलावा नेक्स्ट इज दी मॉड्यूलेटर तो ए के अंदर जो सोर्स मॉडुलेशन है सोर्स मॉडुलेशन मेनली इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द इंटरफेरेंसेस कॉज्ड ड्यू टू द फ्लेम अमीशन रेडिएशंस बाय मॉड्यूलेटिंग द

दिस इज़ बर्नर पार्ट और यहाँ पे ये यह फ्लेम है इसके अंदर ग्राउंड स्टेट एटम भी प्रेजेंट है और एक्साइटेड स्टेट एटम भी प्रेजेंट है यहाँ से हमारी आ रही है एच से लाइन सोर्स वेवलेंथ अब फ्लेम के आगे जो है यहाँ पर है हमारा डिटेक्टर अब डिटेक्टर के पास इधर दो तरह की लाइट्स पहुँचेंगी एक वो लाइट जो कि एच की, की होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट और दूसरी जो लाइट होगी वो होगी एमिट एमिशन की लाइट क्योंकि जो आपके एक्साइटेड स्टेट एटम्स हैं जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे फ्लेम के अंदर तो दे विल आल्सो कॉज द एमिशन तो यानी आगे डिटेक्टर के पास जो सिग्नल पहुंच रहा है उसमें दो तरह की लाइट्स होंगी एक इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड बीम और दूसरा एमिशन बीम तो अब डिटेक्टर जो है वो कैसे पता लगाए कि डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन सी बीम ट्रांसमिटेड है और कौन सी एमिटेड बीम है तो इसके लिए हम जनरली सोर्स मॉडुलेटर को इस्तेमाल करते हैं तो सोर्स मॉडुलेटर एक ऐसी असेंबली है एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम फ्लेम और सोर्स के बीच में इधर इस्तेमाल करेंगे सोर्स मॉडुलेटर तो ये क्या करेगा सोर्स मॉडुलेटर ये जो सोर्स की जो लाइट है जो कैथोड लेम्प से निकल के आ रही है उसको कट करेगा और ऑल्टरनेटिव वे में उसको फ्लेम में पास करेगा अलाउ करेगा तो इस तरह से जब डिटेक्टर के पास जो सिग्नल जाएगा उसमें जो एमिशन का जो फ्लेम एमिशन से जो सिग्नल होगा वो तो जाएगा कॉन्टिनस और जो ट्रांसमिटेड बीम जाएगी वो जाएगी ऑल्टरनेट तो इस तरह से डिटेक्टर जो है अब ये आइडेंटिफाई करेगा कि एक बीम आ रही है कॉन्टिनसली और एक बीम आ रही है ऑल्टरनेटिवली तो वो ऑल्टरनेट जो बीम है उसको डिटेक्ट करना है उसको कंटिन्यूस बीम को उसको रिजेक्ट कर देना है या नेग्लेक्ट कर देना है तो इस तरह से तो कुछ एक पर्टिकुलर सूटेबल फिल्टर भी हम इस्तेमाल कर करेंगे यहाँ पे मोनोक्रोमेटर बीच में जो कि डायरेक्ट जो सिग्नल आ रहा है जो डीसी सिग्नल आ रहा है उसको वो ब्लॉक करे और अल्टरनेटिंग सिग्नल जो आ रहा है ए सिग्नल उसको वो अलाउ करे डिटेक्टर के पास जिसके जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें उसको डिटेक्ट कर सकें तो इस तरह से सोर्स मॉडूलेटर जो है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एस डिटर्मिनीशन्स तो इसके लिए आप या तो सोर्स को मॉडूलेट कर सकते हो मैनुअली या फिर आप इसमें जो है चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो चॉपर जनरली लुक्स लाइक दिस तो जो डार्क है दिस इज दि सॉलिड पार्ट और ये जो लाइट पार्ट देख पा रहे हो इसके अंदर दिस इज दी हॉलो पार्ट तो दिस इज ए डिस्क तो इट इज़ ए सर्कुलर डिस्क जिसमें ऑल्टरनेटिवली जो है एक बार सॉलिड एक बार कटआउट है एक बार सॉलिड है एक बार कटआउट है तो इस तरह से जब बीम के सामने जब बीम इससे टकराएगी सॉलिड पात से तो वो आगे ट्रांसमिशन उसका नहीं होगा लेकिन जब बीम हॉलो पाथ से जाएगी तो इट विल बी ट्रांसमिटेड टू दी अदर साइड और इस तरह से और ये चॉपर जो है एक कंटिन्यूस फिक्स स्पीड पे रोटेट होता रहेगा जिससे कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो है अल्टरनेटिंग बीम जो है सोर्स की वो प्रोड्यूस करके उसको अलाउ करेगा फ्लेम में से जाने के लिए इसके बाद जो एटोमाइज़र्स हैं एटोमाइजर्स में हमने देखा फ्लेम एटोमाइजर में हमने लेमिनार फ्लो बर्नर है ये ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं so we are not uh, further discussing here. so our main uh, discussion focus would be upon the electrothermal atomizers. so ye jo electrothermal atomizers hain here we are not using a flame. so we are causing the electric current to heat the assembly and cause the atomization. तो so, इसमें sample जो है, सबसे पहले उसको low temperature पे heat किया जाता है, evaporate किया जाता है, और उसके बाद उसको ash में convert किया जाता है. और जब वो एश हो जाता है उसके बाद फिर हाई टेम्परेचर पे उसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है और जो इसके लिए हम असेंबली यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट ट्यूब तो ग्रेफाइट ट्यूब इज़ जनरली अ गुड कॉम्पोनेंट और गुड सोर्स फॉर द इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन तो जब आप इसमें से करंट पास करते हो रैपिडली इंक्रीज किया जाएगा तो इट विल कॉज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ ऑफ दिस ग्रिफाइड ट्यूब और जिसकी वजह से जो सैंपल है उसका एटोमाइजेशन होगा क्योंकि सैंपल ऑलरेडी आपका ग्रेफाइड ट्यूब के अंदर ही रहता है तो जैसे ही आप उसको हीट करोगे इलेक्ट्रिकली सैंपल विल बी ऑटोमाइज और उसके बाद फिर इमिजिएटली वो कूल uh, डाउन cool भी आप उसको कर सकते हो सो ग्रिफाइड ट्यूब फर्नेंस जो है वो कुछ इस तरह से देखने को uh, रहता है जिसमें यहाँ पर लाइट सोर्स है एक दिस इज़ दटोमाइजेशन चैम्बर दिस इज द्रेफाइड ट्यूब और ये जो आप पोर्ट देख रहे हो दिस इज द सैंपल इंजेक्शन पोर्ट तो यहाँ से लाइट पास हुई इधर से लाइट निकली बाहर दिस इज दी ट्रांसमिटेड बीम, एंड दिस इज द इंसिडेंट बीम, और इट विल पास टू थ्रू द मोनोक्रमेटर एंड फाइनली रीच टू द डिटेक्टर और ये जो ग्रेफाइड ट्यूब है दिस इज जनरली सराउंडेड द वाटर जैकेट ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़े तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लस एक इन्डट गैस का इनलेट भी होता है इसके अंदर और दिस इज द एक्चुअल एरिया ये जो आप देख पा रहे हो एरोस की हेल्प से बिटवीन दी एरो दिस इज द्रीफाइड ट्यूब और यहाँ पर यहाँ से जो ट्यूब है दिस यहाँ से हम सैम्पल को इंजेक्ट करते हैं तो एस से जो भी लाइट निकलेगी दैट विल ट्रेवल दिस पाथ इट विल टेक दिस पाथ और यहाँ पे जो भी सैम्पल के अंदर जो ग्राउंड स्टेट वेपर्स प्रेजेंट होंगे दे विल अब्जॉर्व द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम दी होलो कैथोड लैम्प and cause the uh, absorption or jo transmitted light hogi that will be passed away to the detector to is tarah se uh, jo hai graphite tube ki construction aap dekh sakte ho ab iske andar ek sabse badi drawback hai graphite tube ke sath problem hai कि uneven heating हीटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ एरिया जो हैं वो कोल्ड होंगे कुछ एरिया जो हैं वो हॉट होते हैं तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ग्रेफाइड ट्यूब के अंदर मॉडिफिकेशन यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं एलवोव प्लेटफॉर्म तो ये जो एलवोव प्लेटफॉर्म है दिस इज इन बिल्ट इनसाइड द ग्रेफाइड ट्यूब लाइक दिस तो ये है हैलव एलवोव प्लेटफॉर्म एंड दिस इज ग्रेफाइट ट्यूब और ये जो होल देख पाए दिस इज सैंपल इंजेक्शन तो इसको आप इसके अंदर प्लेस करके रखते हो इट विल लुक लाइक दिस तो यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाएगा एल्वो प्लेटफॉर्म के ऊपर और जब आप ग्रेफाइड ट्यूब को हीट करोगे तो ग्रेफाइड ट्यूब की हीटिंग जो है वो अन होगी हो सकती है लेकिन उसके थ्रू इंडक्शन की हेल्प से जब एल्वो प्लेटफॉर्म हीट होगा तो उसकी जो हीटिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी इस वजह से जब आप एल्वो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो टू कॉज दी ऑटोमाइजेशन तो परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट इसके अलावा जो बीम जो है ट्रांसमिटेड बीम होगी देन इट विल पास थ्रू दी मोनोक्रोमेटर एंड मोनोक्रोमेटर के बारे में ऑलरेडी आप, आप काफ़ी पढ़ चुके हो इन द यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो इन द फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो कि आइदर यू कैन यूज द प्रिजम्स और यू कैन यूज द ग्रेटिंग्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द वेवलेंथ और जो डिजायर्ड वेवलेंथ होगी

आपका वो पॉजिटिव पे है कैथोड जो है वो जैसे नेगेटिव पे है तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट माइग्रेशन और करंट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट करंट विल बी कन्वर्टेड टू दिस अप्रोप्रिएट सिग्नल और सिग्नल से फिर एम्पलीफाई करके आप उसको रिकॉर्डर से रीड आउट उसके जो आउटपुट है उसको कर सकते हो इसके अलावा जो वाइडली यूज होने वाला डिटेक्टर uh, है वो है पी एम टी विच इज़ अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जिसके ऑलरेडी आप इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इट कंजिस्ट ऑफ सो मैनी डनोट्स तो एक हमारा होगा यहाँ पे आ, एनोड और जो मल्टीपल जो कैथोड्स होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ए डायनोट्स तो इन डायनोट्स की हेल्प से यू कैन एम्प्लीफाई दी सिग्नल स्ट्रेंथ तो इसी लिए मेन जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है इसके अंदर वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का ही किया जाता है पी एम टी ट्यूब का एज ए डिटेक्टर टू कैप्चर द फोटोस कमिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटेड बीम सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज अ सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट दिस इज द डबल बीम इंस्ट्रूमेंट इसमें हम देखेंगे दिस इज द एटोमाइजर पार्ट और यहां से भीम स्प्लीटर जो है इट विल चॉप द बीम इन टू टू इक्वल पार्ट्स वन इज द रेफरेंस बीम एंड वन इज दैंपल बीम तो सैम्पल बीम विल गोइंग इज गोइंग थ्रू दी एटोमाइजर जबकि रेफरेंस बीम जो है वो आपकी फ्लेम में से या एटोमाइजर में से पास नहीं होगा इस वजह से आपको ब्लैंक का करेक्शन करना चाहिए और ज़रूरी है सो दैट यू कैन मिनिमाइज दी इंटरफ्रेंसेस सो दीज आर द सम मेजर एप्लीकेशंस, जिसमें आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द मेटल इनटू द वेरियस सॉल्यूशंस इसके अलावा ट्रेस मेटल्स जो हैं उनके डिटेक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्ट्रीम्स के अंदर कर सकते हो रॉ मटेरियल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो विद द आई सी पी एम एस एडिटिव्स एंड प्योरिटी इन स्टील्स एंड अदर मेटल अलॉस एनालिसिस ऑफ लो लेवल कंटामिनेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक इन वाटर एयर ब्लड यूरिन मसल टिश्यूज़ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स सीरियल्स ब्रेकफास्ट सीरियल्स शैम्पूज, एलॉयज़ गैसोलिन ऑयल सेडिमेंट्स एंड रॉक्स एट्सेट्रा तो इस तरह से आप इस टाइप की जो डिटर्मिनेशंस हैं उनको आसानी से इसमें परफॉर्म कर सकते हो सो दीज आर द रेफरेंसेस दैट यू कैन गो थ्रू फॉर फर्दर स्टडीज थैंक यू